बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान रियाज खान जो के चकवाल के मुकदमे में अदालत में जुडिशियल रिमांड पे थे और उसके बाद लाहौर हाईकोर्ट की पिटिशन में जो ऑर्डर हुआ, जो हमने क्वेश्चनमेंट ऑफ एफआईआर की प्रोसीडिंग फाइल की थी, उसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इमरान रियाज खान को पोस्ट इंटरिम बेल ग्रांट की थी और ऑनरेबल लाहौर हाईकोर्ट के ऑर्डर की कंप्लाइंस में आज हमें अदालत में फर्स्ट वर्किंग डे आफ्टर ईद में चकवाल की अदालत में कंसर्न जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पेश होना था। जब हम अदालत में आए हैं तो इस मुकदमे के मुदई भी अदालत में मौजूद थे, जिन्होंने अदालत में अपने वकील की वसासत से और अपने आप को आइडेंटिफाई कराने के बाद, यानी कि शनाख्त कराने के बाद, अदालत ने उनका सीएनआईसी लिया, उनकी बाजाबता तस्दीक की, उनके एफिडेविट के कंटेंट्स को पढ़ा, जिनके मुताबिक इस मुकदमे के मुदई ने अदालत में यह बयान हल्फी जमा कराया है कि वो इस मुकदमे की मजीद कतई तौर पर पैरवी ना करना चाहता है, इमरान रियाज खान को इस मुकदमा खारिज किया जाए या बरी किया जाए या उसकी जमानत मंजूर किया जाए, उसके ऊपर इसको कोई एतराज ना है। ये इस वक्त यहाँ पे मौजूद है मुदई, आप इसको देख सकते हैं। हम इमरान रियाज खान, हमने मसालियत की मशावरत की, जिसके बाद हमारा ये मुश्तरका फैसला है कि इस मुदई, चूंकि हमने इस तमाम मुकदमात में जो जेली और झूठे मुदई आए उनके खिलाफ लाजमी तौर पर डिफेमेशन सूट फाइल करने थे, उनके खिलाफ हमने मुकदमे के अखराज के बाद, ये बरी होने के बाद कार्रवाइयाँ करनी थी, लेकिन इमरान का ये फैसला है। और ये आपके सामने बताना चाहते हैं कि अल्लाह की रजा के लिए इमरान रियाज खान ने इसको माफ किया, इसके खिलाफ हम कभी किसी किस्म की कोई इंतकामी कार्रवाई ना करेंगे। आपके सामने इस मुदई को जो है वो लाने का मकसद ये है कि मुमकिन तौर पर खुदा न खास्ता इसको भी जो है कोई ना कोई जान का खतरा हो सकता है, आप इसको वाज़े तौर पर देख लें। हमसे, हमने इसको अल्लाह के वास्ते माफ कर दिया है, हमारे दिल में इसके लिए किसी किस्म की कोई उजर या इस वक्त कोई भी अदावत मौजूद ना है। हम वाज़े तौर पर कह रहे हैं, इमरान आपके सामने अनाउंसमेंट दे देते हैं, हमें, दोबारा कह रहा हूं, इस शख्स के खिलाफ किसी किस्म की कोई अदावत या रंजिश या नाराजगी हमारे दिल में ना है। हमने अल्लाह की रजा की खातिर इसको माफ किया, जो हमें तकलीफ पहुंची, जिस अमल से हम गुजरे, हम अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया है, हम इसको भी जौन सा है वो मुबारक देते हैं कि अल्लाह ताला ने इसको हदायत दी है। और ये अपने जो मुद्दा अदालत में लेके आया था, इसको एहसास होने के बाद ये इसकी मजीद पैरवी ना करना चाहता है और उससे दस्तबरदार हो गया। ओवर टू इमरान। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। माफ़ी देने का इख्तियार इंसान का होता ही नहीं है, मेरा तो ये मानना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इख्तियार है, अल्लाह ही हम सबको माफ़ करे और हम सब पे रहम करे। लोग पूछते हैं तो मैं, मुझे पता है कि वो कौन था जिसने इसको मजबूर किया, मेरी इससे कोई लड़ाई नहीं है। छोटी सी एक गुजारिश है आपसे, मैं जहाँ भी गया ना आप जैसे लोगों की वजह से, तो मैं एक नारा लगाता था, वो आप मेरे साथ लगाएं, बस इतनी ही आपकी जो है वो मेरे लिए आपकी मेहरबानी होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अली भाई जिंदाबाद, इमरान रियाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।